देखो भाई, रास्ता एक ही है, राह वही रास्त और सच्ची है जो सीधी है। राह को गौर से देखो, कैसे जैसे दरख्त पर बैठा कट बड़ी घास में कीड़ा को देखता है। फिर उस रात को पढ़ो, जांचो, आंखो, इसको आजमाओ, चलो गुजरो, पटियाओ, फिर अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं, किसी एडिटोरियल से नहीं, किसी कॉलम से नहीं, सिर्फ अपने आप से पूछो, अपने आप से ये सवाल करो कि आया उस रास्ते का कोई दिल है भी या नहीं। रास्ते का दिल, उस रास्ते का कल्ब है या नहीं। कल्ब, और कल्ब भी चालू है कि नहीं। चालू कल्ब, देखो भाई, रास्ता तो चालू है ही, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, रास्ता तो चालू है, लेकिन देखना ये है कि रास्ते का कल्ब चालू है कि नहीं। अगर है तो उसको आजमा लो, अपना कर लो, पर अगर इस रास्ते का कोई दिल नहीं है तो क्या उसको छोड़ दो, अलग कर दो, उससे दूर हो जाओ, उस रास्ते को छोड़ दो। हजूर, मेरे साथ एक अजीब गरीब वाकया गुजरा। और भाईजान, अजीब वाकयात भी ना गुजरने के लिए होते हैं, गुजर गए। इस वाकये में मुझे आप ही गिरते हैं, आप ही बचाते हैं, आप ही हमलावर हैं, आप ही मुहाफिज हैं, सब कुछ आप ही हैं। देखो, खुद कोजा, खुद कोजा, करो खुद गल कोजा। नहीं सर, आपके दो रूप हैं, आप ही मारने के लिए योरिश करते हैं और आप ही लपक कर मेरी मुदाफ़त करते हैं, आप ही मेरी ज़िंदगी और सलामती की हिफाजत फरमाते हैं। वही ज़िबा भी करे हैं, वही ले सवाब उल्टा। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मेरी नज़र का धोखा हो, या मैं वहम में था। देखो भाईजान, न्यूटन की फिजिक्स तक तो ना इसे नज़र का धोखा या वहम इंसानी समझा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ज़रा मुश्किल हो गया। मैं तुमसे 3 मरतबा कह चुका हूँ, अगर तुमने अपने बाबों के राह पर चलना है तो तुम्हें इससे एक गहरी लगाव पैदा करना होगा, वरना इस तरह नहीं होगा। साइंस से? सारी साइंस नहीं तो कम से कम फिजिक्स से ही। फिजिक्स जब लतीफ होती है तो मेटाफिजिक्स बन जाती है। क्या हमारे बाबों को फिजिक्स आती थी सर? हमारे मिस्टिक्स के पास भाईजान अपनी तजर्बाती और आजमाइशी अमाल का ऐसे वसीया फ्रेमवर्क था जिसमें आज का दौर का तरक्याफ्ता तरीन तबियाती थ्योरी को आसानी से समेटा जा सकता था। लेकिन हुजूर, इनको क्या मालूम था वो जिस रूह? दुनिया में सिर्फ 2 साहिबान आलम ऐसे हैं जो अमाल के अखाड़े में उतर कर इल्म हासिल करते हैं भाईजान, एक साइं, दूसरा साइंटिस्ट। दोनों की अपनी अपनी लेबोरेटरी में किला बंद होके इल्म हासिल करना पड़ता है, किताबें पढ़ कर नहीं, रिसाले कॉलम पढ़ के नहीं। बात लेबोरेटरी में मुनकशिफ होती है और इल्म हासिल होता है तो अल्फाज इनके साथ नहीं देते और इनका बयान रुक जाता है, वो कुछ नहीं बता सकते। इनका बयान रुक जाता है, क्या बात है, वाह। साइंसदानों पर अल्लाह करम ये हुआ भाईजान, इन्होंने अल्फाज छोड़कर हिंसे पकड़ लिए और मैथमेटिकल क्वेश्चन में अपने कशफ का इजहार करने लगे। अब हिंसे लफ्ज़ों से बाजी ले गए, सुभान अल्लाह, हिंसे जो है लफ्ज़ों से मोहतरम हो गए।
हजूर आप हैं कौन? मैं मोची हूँ भाईजान, खानदानी मोची। मेरे वालिद गला मंडी के मोची थे, मेरे दादा कसूर में, वो वहाँ पे भी मोची थे, पर दादा अज शरीफ में जूते गाड़ने का काम करते थे। हजूर कहीं आप भी तो वो मोची नहीं? नहीं भाईजान नहीं, मैं वो मोची नहीं। बगदाद का मोची या जंग का मोची या वो दूसरा यजमान का मोची, वो और लोग थे, इन्होंने अपना भेद छुपाया था। मेरा तो कोई भेद ही नहीं है, मैं तो बल्कि मोची गिरी छोड़कर जूते पॉलिश करता हूँ। तो आप ही मुझ पर हमलावर हुए और आपने ही मेरी हिफाजत की और वही आपका वजूद था जिसने? नहीं भाईजान नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं था। सब एटॉमिक लेवल पर मादा अपने वजूद के साथ किसी खास मुकाम पर नहीं होता, बस होने के एक मिलान सा होता है, रिजान सा होता है, बस एक एहतमाल की सी सूरत होती है भाईजान। ये एहतमाल एक मौज बन जाता है, असल मौज नहीं, आवाज की लहर या पानी की लहर जैसी, बस ऐसी ख्याली सी मौज। और फिर एक बात का ख्याल रहे ऐसे वाकयात बताने के लिए नहीं होते और समझाने के लिए भी नहीं होते।